एक नर्व यहाँ तक है, दूसरा फिर यहाँ से अटैच होगा, इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी, फिर इसकी हेड और इसकी टेल अटैच होगी। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये मेरी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है आप लोग? जर्मनी के अंडर में आ गया था, जर्मनी यहाँ पे कि जो हार गई थी जर्मनी, उसको पूरे के पूरे वॉर एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा लोन, एवरीथिंग हैज टू बी पेनलाइज्ड। और फाइव इयर्स हेंस अ मैंस फेस विल बी थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फाइव इयर्स अगो द मैन वाज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन फाइव इयर्स अगो। मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तो अच्छा आपको दो कोर्सेज देख रहे हैं, दोनों का परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। हम लोगों ने क्लास 10 सीबीएसई में लाइट चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करने के बाद एक नया चैप्टर उठाया था, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट वन में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज चार्ज, चार्ज कैसे चलता है, राइट, एसआई यूनिट्स क्या है, राइट। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि दूसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाउ टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में करंट कैसे चलता है, ओके। अब जो हमारा आज का पार्ट है, आज का जो सेशन है, ये पार्ट थ्री है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए, तो एंड तक बने रहिए। फटाफट इस वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट्स में आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। पीछे हम लोग डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने आपको बताया था किसी एक इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक, राइट, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आपसे फिर पूछूंगा, ओके। चलो आओ बात करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बच्चे लोग जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, है ना, मूव करते हैं, तो हम लोग चलते हैं तो वो रास्ता क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट को चलने के लिए होता है। सपोज दैट ये एक रोड है और इस रोड में हम लोग बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, खुद पैदल चलते हैं, तो ये हमारे चलने का रास्ता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोड। इसी तरह जिसमें इलेक्ट्रिक ये चार्ज चलता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच करंट फ्लो, सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, थ्री इडियट देखिए ना, आसान भाषा में समझाता है मशीन की डेफिनेशन, उसी तरह आसान भाषा में अगर समझे तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथवे है जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर ये बताओ मैं रास्ते से जा रहा हूं और यहां पर रास्ता मैंने बंद कर दिया, है ना, बंद कर दिया भाई, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसके लिए ओपन सर्किट, ध्यान रखना थोड़ा सा उल्टा है, ये क्लोज है हमारे चलने के लिए, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। लाइक मैं यहां से चलता है चार्ज और यहां पर मैंने स्विच लगा दी और स्विच मैंने ऑन नहीं की, तो उसके लिए तो ये ओपन है ना, बट चार्ज के चलने के लिए तो ये रास्ता बंद हो गया, चार्ज को चलने के लिए रास्ता बंद हो गया, बट है क्या ये एक्चुअल में, ओपन, खुला हुआ सर्किट है, बंद तो नहीं है। तो सर्किट दो तरह से, एक तो हो गया ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट, जब हम रास्ता पूरी तरह से उसको देते हैं चार्ज को चलने के लिए, स्विच को, स्विच को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये कैसा सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। तो दो तरह के सर्किट तो हम लोगों ने पढ़ लिए, क्लास 8th में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का, आपको याद होगा क्लास 8th में हम लोगों ने एक बल्ब को लगाया था और एक बैटरी से कनेक्ट किया था, स्विच लगाई थी, तो स्विच जब ऑन थी तो बल्ब ग्लो कर रहा था, दैट इज क्लोज्ड सर्किट, और जब हम लोगों ने स्विच को ऑफ कर दिया था और बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है और कोई इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट होता कैसे है, जरा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अरे मोहित, ये कपड़ा गीला है क्या, देखो सूखा वाला, तो ठीक है। देखो भाई, अब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बना देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है, सबसे पहले उसमें क्या रहती है, सेल रहता है। क्या रहता है? सेल रहता है। सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन रखती है। एक सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब करंट फ्लो कराता है ना, ओके। तो सेल तो हमें पता चल गया, सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, ठीक, ओके।
फिर होती है बैटरी। सर्किट में एक और चीज क्या लगती है, बैटरी लगती है, या तो सेल लगेगा या तो बैटरी लगेगा। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब कई सारे सेल मिला दिए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। इज दैट क्लियर भाई? एक सिंगल था तो सेल था, अब देखो दो मिल गया तो क्या बन गया, बैटरी मिल गया। चलो क्वेश्चन की बारी आती है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा सर्किट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन रखता है, तो दैट इज यस बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। फिर दूसरा क्या है, लैंप। जो भी आप गैजेट लगाते हैं, मतलब बल्ब लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, तो आप उसका सिंबल इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आता है फ्यूज। अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में, लास्ट ये सेशन रहेगा। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबके घरों में लगे होते हैं, सब कोई देखता है, तो उसके बारे में जब जानो तो और मजा आती है। तो फ्यूज के बारे में जानेंगे, क्या होता है, उसका सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरह से। फिर एक आता है फिक्स रेजिस्टेंस, तो उसका सिंबल कैसा आता है, ब्रेकर जैसा। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, पाथ वे ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए रास्ता होता है, रोड। तो रोड में जैसे ब्रेकर होते हैं ना, ब्रेकर्स, राइट, ऊपर नीचे, है ना। इसी तरह चार्ज को चलने में हम लोग जो रास्ते में लगाते हैं कि चार्ज थोड़ा धीरे चले, है ना, उसको रोकने के लिए, अपोज करने के लिए लगाते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ब्रेकर टाइप का अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ इधर देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है सिंबल, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं किसकी, स्विच की। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का होना तो बहुत जरूरी है, अगर स्विच नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बर्बाद होगी, कितनी वेस्ट होगी। स्विच ऑन करोगे तभी जलेगा, स्विच ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो स्विच दो तरह से होती है, एक तो ऑन एक ऑफ। तो ऑन में कैसा रहेगा, ऑन में रहता है कि आप इसमें पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये सिंबल कैसा बन जाएगा, ऑन का बन जाएगा, या कैसा बन जाएगा, क्लोज्ड सर्किट का बन जाएगा। जब ऑन होती है स्विच तभी तो क्लोज सर्किट होता है, और जब इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट रखेंगे, तो कैसा हो जाता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। कुछ इस तरह से भी इनका सिंबल बनता है, अगर ऐसा है तो ऑन है, और अगर ये पॉइंट दोनों मिले हुए हैं तो कैसा है, ये सॉरी ये ऑफ है, और ये कैसा है, क्लोज है, ऑन है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए बच्चे लोग? आप में से किसी बच्चे का डाउट होगा कि सर आपने यहां पर लिखा है फिक्स रेजिस्टेंस, क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एक और भाई होता है, दैट इज रियो स्टेट। रियो स्टेट कैसा होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब हम अपने हिसाब से जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसका जो सिंबल बनता है बच्चे लोगों को कैसा बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ ऐसा आपने देखा भी होगा बुक में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रियो स्टेट, ये रेजिस्टेंस का भाई है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो भाई अब एक चीज और लगती है, हम पीछे पढ़ के आए, करंट जो मेजरमेंट करता है दैट इज एम्पियर लगता है, एक वोल्ट मीटर लगता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पीछे पढ़ के आए हैं, राइट। एक गैल्वेनोमीटर होता है, राइट, कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है, प्लस माइनस। और मैंने आपको बताया है कि इसमें काहे में यूज होता है, जो एम मीटर है किसमें यूज होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, वोल्ट मीटर किसमें यूज होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूँ, ठीक है। चलो भाई तो इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल आपको क्लियर हो गए होंगे, आप चलो बना के देखते हैं कोई छोटा सा सर्किट, प्यारा सा, बिना ज्यादा गैजेट वाला, ज्यादा कूलर पंखा उसमें नहीं ऐड करेंगे, है ना। चलो भाई इतनी चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर है आप लोगों को, पक्का ना, आगे चलते हैं। कोई डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसको हम लोग आगे समझा देंगे। चलो देखिए, हमने पहले क्या लगाई, एक मैंने लगाया क्या, एक पहले मैं सेल लगाता हूं। चलो भाई सेल लगा, बैटरी लगाओ सीधे सीधे, हम तो कह रहे हैं ये बैटरी लगा दी, एक मिनट रुकना। एक और लगा दें, थोड़ा तो बड़ा बन जाएगा। चलो ये लग गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहां से हमने लिया, हमने लगाया क्या, एम मीटर लगाया जो कि सीरीज में लगता है। फिर मैंने यहां पर लगा दिया बल्ब, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ओके। और यहां पर मैंने लगा दिया स्विच, क्या लगा दी, स्विच लगा दी, और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। जरा देखो, अब ये है हमारे पास बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है, ये करंट मेजर करेंगे, है ना, ये क्या मेजर करेंगे, ये करंट मेजर करेंगे, ठीक। ये स्विच है जो हमें बताएगा कि ऑन रखना है कि ऑन, ऑन रखना है कि ऑफ। तो अगर ये स्विच में ये पॉइंट नहीं लगा हुआ तो कैसा है, ऑन है, अगर ये है सॉरी ये तो ऑफ है, और अगर ये पॉइंट लगा है तो कैसा है, ये ऑन है, और ये कैसा है, बल्ब। जैसे ही मैं स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये रास्ता ही तो है इलेक्ट्रॉन्स के चलने का, मतलब चार्ज के चलने का, ये रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के चलने का, तो एक तरह का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया।
ठीक, ओपन क्लोज एट्थ की एक्टिविटी मैंने अभी आपको याद दिलाई, तो कुछ इस तरह से बनता है। अब मान लो कभी कभी आपको ऐसे कुछ दिख जाता है, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। अब इसमें वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से लग जाएगा, कुछ इस तरह से वोल्ट मीटर अटैच होगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल लगाने का तरीका है, ठीक है, ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी हम लोग बात करेंगे सीरीज जो पैरेलल जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, तो इनके भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे बनता है। और हम लोगों को ध्यान में रखना है जब हम लोग इसमें ये सिंबल्स यूज करते हैं ना, बैटरी की, बल्ब, एमीटर, तो हमें ये चीज नोटिस करना होता है कि हम कैसे लगा रहे हैं, किधर पॉजिटिव साइन किधर नेगेटिव साइन, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी होगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं हमारे सबसे प्यारे टॉपिक की तरफ, जो कि एग्जामिनेशन में दो साल के पहले तो बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, उससे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेरिमेंटल थ्रू, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन वो केस बेस्ड बन सकते हैं। चलो देख लेते हैं पहले ये होता क्या है। ओम्स लॉ क्या होता है भाई? ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमंस ओम, उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। क्यों? अभी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अलग पढ़ा, करंट अलग पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो इन्होंने क्या किया ओम भाई साहब ने, कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। और क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस में, कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन का मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अब ये डायरेक्टली यूनिवर्सली आप नाइन्थ में सीख क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट विल ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, डायरेक्टली का मतलब तो यही हो गया, ठीक। और हम नाइन्थ में क्या सीख के आए थे, हम लोग क्या सीख के आए थे कि अगर हमें यहां पर क्या करना है, इस सिंबल को हटाना है डायरेक्टली वाले को, तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, आर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, आर आई हम लोग लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। कितना सिंपल सा था, कोई प्रूविंग तो है नहीं यहां पर, जरा देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू आर फॉर रेजिस्टेंस, और आर यहां पर वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, आई स्टैंड फॉर करंट, एंड आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब जरा इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बनेगा वो कैसा बनेगा। आपके क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, हो सकता है टर्म टू में जब सब्जेक्टिव हो तो क्वेश्चन पूछा जाए एक्सपेरिमेंटली शो करने के लिए। तो पहले इसके पहले ग्राफ देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटली मैं बताऊंगा आपको, जब हम लोग वन शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो तो ये वी आई आर, वी और आई ग्राफ बनता है, राइट। अब क्या कह रहा है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे करंट उतना ही तो बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर करंट में 2 एम्पियर बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट्स होगा। अगर मैं करंट को कितना 4 कर देता हूं, मतलब फिर मैंने 2 इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो गेट इंक्रीज बाय 4 वोल्ट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर ऐसा बनेगा तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो 2 की जगह मैच करेगा 4 से मैच करेगा, और जो पॉइंट से मैच होंगे उनको जब मैच कराएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, आप 11th में पढ़ेंगे न्यूटन सर का एक और रूल है इसी करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसमें ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ में वो कैसा बनेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो भाई, तो क्या सीखा हम लोगों ने ओम्स लॉ में, हमने सीखा कि उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, और क्या बताया, बताया दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, राइट। तो V इज इक्वल टू, ये साइन हटाया तो इक्वल लगाया, एक रेजिस्टेंस लिया जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और I करंट, ओके। एक ट्रायंगल होता है, जरा देख लीजिए ओम्स ट्रायंगल, मैं समझा रहा हूं आपको, याद रखने में बहुत इजी होगा। इसके 2 पार्ट किए और इसके हमने 2 पार्ट किए, ये हो गया V और ये हो गया I, ये हो गया R, ठीक। अब अगर हमें V चाहिए तो क्या हो गया, I into R। अब अगर हमें
आई चाहिए तो क्या हो गया वी अपॉन आर, अब हमें आर चाहिए तो क्या हो गया वी अपॉन आई हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ओम्स ट्रायंगल इसको बोलते हैं, जरा समझ लीजिए। अब इसके बाद से यहां से वैल्यू क्या होके आई, इसे वैल्यू होके आई कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। ओके, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर, तो क्या हो गया वोल्ट पर एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल होता है ये स्मॉल हेडफोन जैसा, ओमेगा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा, राइट। तो ये होता है सिंबल। इतनी बात आपको क्या क्लियर है बच्चे लोग की, नहीं क्लियर है, अगर क्लियर है तो बताइए फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बताइए। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज वन ओम, क्या पूछ लिया जाता है व्हाट इज वन ओम। तो अब जरा देखो, ये ओम हो गया और ये हो गया हमारे पास वोल्ट और अपॉन में क्या एम्पियर, तो वन ओम पूछ रहा है, तो वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट, वन वन करेंगे ना चारों तरफ, मैंने आपको सिखाया था। तो क्या हो गया, व्हेन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मूव अक्रॉस द कंडक्टर टू कैरिंग वन एम्पियर ऑफ करेंट इज नोन एज वन ओम रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, या हम ये बोलते हैं वन ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच अलाउ टू करेंट ऑफ वन एम्पियर फ्लो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। हम लोग ये कह सकते हैं, क्या मतलब हुआ कि वन ओम वो रेजिस्टेंस होता है जब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो बहुत छोटा सेशन। कंक्लूजन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, आई आर पढ़ा, राइट, या I इज इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R। चलो अब यहां से कंक्लूजन नंबर वन क्या निकला, कंक्लूजन निकला दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। बच्चे लोग पहला कंक्लूजन क्लियर है, हम लोग समझ के आ गए हैं, ग्राफ से भी समझ में आ गए। दूसरा कंक्लूजन देखो जरा, रेजिस्टेंस और करंट का यहां पर क्या रिलेशन निकल के आता है, यहां पर ये निकल के आया दैट इज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब करंट अगर सर्किट में हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट याद करिए, एमीटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एन आइडियल एमीटर मस्ट बी जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी वो प्रॉपर करंट को मेजर कर सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर है, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो इजी इजी है इनके इनसे रिलेटेड, तो देख लीजिएगा है न्यूमेरिकल्स। देखो भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटे छोटे हैं कर लेते हैं, कुछ है लिया हुआ है कि व्हेन 12 वोल्ट बैटरी ऑटो, व्हेन अ 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर्स देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक 12 वोल्ट की बैटरी है और उसको जब एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया तो ये कितना 2.5 मिली एम्पियर करंट लेता है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले इस मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज करना है, मैंने आपको बताया था, तो एम्पियर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 10^-3 एम्पियर, चेंज हो गया। ओके, तो अब देखो ट्राइंगल बनाओ फटाफट, ओम्स ट्राइंगल, तो वी आई आर क्या होता है भाई, क्या निकालना है, आर, आर इज इक्वल टू क्या हो गया वी अपॉन में आई, वी अपॉन में I, तो V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10^-3। बताओ सॉल्व कर लो कि नहीं सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बच्चे लोग, ठीक है भाई। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 4800 के आसपास है ना, तो आ जाएगा 4800 ohm, ओम रेजिस्टेंस है ना, इसलिए ओम्स लिखना पड़ेगा आपको, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, आई बात समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट है, एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट है, फिर कहता है
एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। और रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम का। रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 ओम का दिया हुआ। फिर क्या कहता है? कहता है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट बी, द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। अगर वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसमें करंट कितना होगा? तो करंट निकालना है बच्चे लोग। अब इसका आंसर मुझे आप चाहिए, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताएंगे, ठीक है? तो आज ये छोटा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपनी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो। और आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।